मंडे मार्केट में, और अभी इतना पसीना दोपहर भी आपको मिल जाएगी 600-600 रुपए में। पर्स लिया तो अभी फ्री भी हो गए, थोड़ा सा आराम कर ले। किचन में क्या बन रहा है? तो अभी मम्मी मामा के घर से आ गए हैं घर पर, ये देखो स्कूबी अभी अभी मैं इधर छुप गई हूँ और स्कूबी मुझे ढूंढ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो अभी सब काम फिनिश कर दिया है, ऊपर काम मैंने नहीं किया है आज, बिकॉज कल सब किया था। और आज मैं जा रही हूँ मंडे मार्केट देखने के लिए, वहाँ पर क्या क्या मिलता है। मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे कि क्या क्या मिलता है, और आपको भी दिखाऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या सस्ते भाव में मिलता है, क्या महंगा मिलता है। तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में, और आज ब्लॉग कंटिन्यू देखना, आप स्किप मत करना प्लीज़। तो आपको सब दिखने मिलेगा कि मंडे मार्केट वाले हम लोग जा रहे हैं मंडे मार्केट में, और अभी इतना पसीना हो गया है और सनस्क्रीन भी लगा लिया है। और आज मेरे साथ ही नीचे वाले भाभी भी आ रहे हैं, और ये तो अभी भी चढ़ गया है पहले ही, नाइन ड्रेस पहन के नाया धोया वगैरह के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंडे मार्केट को, और ये साहब ने टोपी भी पहन ली है। बहुत धूप लग रही है, आप भी देख सकते हो यहाँ पर कितनी ट्रैफिक है। तो अभी यहाँ से चालू होती है मंडे मार्केट। इधर प्लाजो पेर भी आपको मिल जाएगी 600-600 रुपये में। और इधर पिलो कवर और सोफा के कवर, चादर वगैरह सब मिल जाएगी आपको, सब 400 या 500 में आपको मिल जाएगा। और इधर हैवी साड़ी है 1500 या 2500 सब प्राइस। हमने ये साड़ी ले ली है 450-450 में मिली है हमें, कोई बार्गेनिंग नहीं हुई है अभी। तो अभी समर भी आ गया है, तो इसलिए पेप्सी वगैरह सब मिल रहा है यहाँ पर। और आप आगे ट्रैफिक भी देख सकते हो कितनी है। तो अभी हम लोग इतना थक गए हैं और ट्रैफिक भी अंदर इतनी थी, धूप भी है बहुत ज्यादा। और ये हमारा शेर देखो अभी लाल लाल हो गया है, नेत्र बता लाल। तो अभी हम लोग शॉपिंग करने गए थे, तो तूने क्या लिया? बस लिया। क्या लिया? क्या लिया? है? क्या लिया? है? पर्स है? लिया, पर्स लिया, बता दिखा। अरे वाह, कोना माटे लीधू? हाँ। तो अभी घर भी आ गए है और रसोई भी बाकी है, 11:30 बज चुके हैं, अभी 12 बजे पापा को खाना भी देना है, तो अभी रसोई करेंगे। आज सब्जी में है फ्लावर की सब्जी, दाल भात शाक रोटी। तो अभी रसोई भी बन गई है, पापा खा रहे हैं, और सब्जी दाल शाक रोटली है, लेकिन मैं रोटली के साथ सब्जी नहीं खाने वाली हूँ, मैं सब्जी के साथ राइस खाने वाली हूँ। और यह है नेत्रू का खाना, उसने फुल डिश ले ली है अभी, और स्कूबी को भी खाना है, वो भी आ गया है किचन में। तो अभी दोपहर को वॉक पर लेके गई थी स्कूबी को, तो अभी फ्री भी हो गए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं बाद में। तो अभी 6 बज गए हैं, और अभी 5:15 बजे मैं आई ऑफिस से, ऊपर का कपड़ा संकेलने का काम किया, फोल्ड करने का,
और कुछ नाश्ता भी कर खाया। गोपाल तो मुझे रख छोड़ के ही चले गए, तो अभी समोसा बनाने का प्लान कर रही हूँ। प्लान नहीं, आधा तो बन ही चुका है, बिहारी समोसा। तो यहाँ पर पोटैटो है और ये टर्मरिक चटनी है। अभी थोड़ा कॉर्नफ्लोर करूँगी तो हो जाएगी। अभी थोड़ी गुड़ और टर्मरिक मिक्स हो रहे हैं, तो अभी लोट भी डो भी करना है, तो अभी वो करके आपको दिखाती हूँ बिहारी समोसा कैसे बनाती हूँ मैं आज। और गार्लिक और मिर्चा की चटनी मैंने कर दी है ऑलरेडी, ग्रीन चटनी ये रही। तो हम लोग ग्रीन चटनी में गार्लिक नहीं ऐड करते, अभी बिहारी समोसा में ही सिर्फ गार्लिक ऐड करेंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बना दी है थोड़ी, वरना हमारे फ्रिज में वो स्टोर ही रहती है ग्रीन चटनी, बनाने की ज़रूरत नहीं है टाइम पर। लेकिन ये गार्लिक वाली चटनी है तो इसीलिए बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग गार्लिक एकदम कम खाते हैं। तो फिर घर पे आया और रसोड़ में अच्छी स्मेल आ रही है, तो अभी क्या बन रहा है देख पूछते हैं। क्या बन रही है किचन में, क्या बन रहा है? तो अभी बिहारी समोसा, तो बस इसको बिहारी समोसा एक आता है, दूसरा क्या आता है? सब कुछ, आप जो भी बोलो, रोटला भी आता है, कल आपने देखा ना परसों। तो अभी बिहारी समोसा बन रहा है, तो अभी इस बार मम्मी गई थी तो नहीं बनाया था, तो इसलिए आज आने वाली है तो बनाया, वरना मम्मी जो कहाँ और कहीं पे भी जाती है मेरा फिक्स है दही वड़ा सैंडविच और ये बिहारी समोसा। बस ये मम्मी नहीं होती है ना, तो ये तीन तो बनता ही है घर पे। दूसरा आता तो है लेकिन क्या दो की जरूरत पड़ती है, और हम लोग खाने के लिए तीन ही है, तो क्या इतनी मेहनत करेंगे, इसलिए नहीं बनाती। आपको मैंने बोला था ना आज कि पनीर पॉकेट बनाते हैं, पिज्जा पॉकेट, तो आपने ना बोला, मान वो मोजरेला चीज खत्म हो गया है इसीलिए। तो उस दिन ही बोला था कि बोल देना चाहिए, पर आपको ये वो सब नहीं है। समोसा बना रही है अच्छी तरह से, इतना सारा तो बना के रख दिया है, तो अभी ऐसे बनाते हैं देखो। बिहारी समोसा आज घर पे बन रहा है, बिहारी समोसा। तो अभी यहाँ समोसा फ्राई हो रहा है और यहाँ पे बना के रेडी कर दिया है, यहाँ दो फ्राई हो गए, अभी सब फ्राई करेंगे एक के बाद एक बना रही है सब, बाद में फ्राई करने बाकी रहेगा सिर्फ। देखो अभी पूरा बच गया है तो उससे पूरी हो जाएगी, तो हम लोग सेव पूरी या खाउसा खाए कर ले रहे हैं, उसमें लोग डालेंगे पूरी बना देंगे, नो स्टिक बना दूंगी स्टिक है ना, तो खाउसा में चलेगी। चलो अभी देख लिया आपने, बड़ी तरह से मसाला भी ख़त्म हो गया है अभी, तो अभी समोसा भी बन गया है सब, तो अभी फ्राई करेंगे सब। खा लिया ना, तो अभी हम दोनों बाकी है खाने में, और मम्मी भी आज आ जाने वाली है। और ये खाउसे के साथ खाने के लिए पापड़ी जैसा बनाया, स्टिक बनाया हुआ है। तो अभी तीखा वाला चटनी, ये तीखा वाला चटनी आज ही बनाई, ये गोल का चटनी है, इमली और गोल का चटनी है, इसलिए खांसी नहीं होती इसमें, गोल की बनती है ना, इसलिए शुगर की होती है तो ही दिक्कत आती है, इसलिए मेरा तो ये कान भी बंद हो गया है, सुनाई नहीं देता इसका। हाँ नहीं सुनाई देगा ना, कल पाइन एप्पल खाया सब, नया नया खा, दूसरा शाम को क्या खाया, तरबूज तो चलता है, पीरा वाली सोडा भी पी होगी। तो चलो अभी फटाफट से खा लेते हैं बिहारी समोसा। देखो अभी इसने तो यहाँ चूरा कर दिया है, उसमें चटनी है और ग्रीन चटनी और ये डालेंगी,
और छाछ नहीं पीना चाहिए, खांसी आ रही है तो उसके बिना काम नहीं। देखो अभी प्लेट बना रही है वो, तो मेरे को भी बनाना है अभी, तो फटाफट से बना के खा लेते हैं। और एडिटिंग भी अभी करने का बाकी है, तो अभी एडिट अपलोड करना है, तो अभी फटाफट से एडिटिंग करने भी जाऊँगा खा के पी के, क्योंकि 9:30 बजे आपको देखना होता है, तो 8 बज चुका है, तो फटाफट से ब्लॉग भी एडिट करके रख दूँगा। और उसको भी यहाँ आके सो गया है देखो, रोज की तरह अपने फेवरेट मामा के पास आके सो जाता है, कुछ शर्म वरम है कि नहीं, उसको भी देख रहा है मुझे। देखो अभी यहाँ सो गया है, उसको भी खाना है। क्या करना है इसको भी खाना है तेरे को, चल देता हूँ। तो अभी हम भी खा लेते हैं और उसको भी खाना है, तो यहाँ आ गया है, तो हम खा के उसको बाद में खिलाएंगे। तो अभी खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, लेकिन आज मेरे घर पर मीठा कुछ है नहीं, प्रसादी थी वो कल ही पूरी हो गई थी, तो इसलिए सोचा कि पापा को मस्क मेलो दे दे, तो मस्क मेलो कट करनी है अभी, तो अभी खाएंगे दोनों। तो अभी मैंने कट कर दी है, अब ऐसे स्पून से खाऊंगी इसे। तो अभी मम्मी मामा के घर से आ गए हैं घर पर, ये देखो स्कूबी अभी चेक कर रहा है। बस ना, बस, 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 बस। मम्मी यूं नहीं कहता ना, कहनी चले जाओ मने मम्मी को चलने नहीं दे रहा है देखो अब ये लड़का नीचे जाके ही दम लेगा अभी। स्कूबी नो, स्कूबी, स्कूबी अभी मैं इधर छुप गई हूँ और इसको भी मुझे ढूंढ रहा है, अभी मिल नहीं रही हूँ उसे। अभी मैं चपटी बजाऊंगी, देख गया मुझे, आ गया आ गया पकड़ लिया मुझे इसको भी। तो अभी फ्री बैठे थे, कुछ काम नहीं था, तो स्कूबी को चोटली ले दी है देखो, अभी हमारे लड़के को आ नहीं रही है चोटी, लेकिन फिर भी ले ली है।